हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चतुर्मास का आरंभ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी से ही शुरू हो जाता है। 20 जुलाई से चतुर्मास आरंभ हो चुका है, जिसका समापन 14 नवंबर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन होगा। शास्त्रों के मुताबिक चतुर्मास के कुछ नियम होते हैं। चतुर्मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। चतुर्मास में मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। शास्त्रों में चतुर्मास से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चतुर्मास में किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपको जानकारी दी जाती है। हर तीज त्यौहार से जुड़ी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है और उपाय भी बताए जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो चतुर्मास का महीना है, ये जब तब के लिए बहुत शुभ होता है। जी हाँ, चतुर्मास में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक ये महीने आते हैं। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास का समय साधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि इस दौरान साधना का संचरण नहीं किया जाता है, बल्कि एक स्थान पर ही बैठकर साधना करने शुभ फल प्राप्त होते हैं। एक ही जगह पर बैठकर के पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास के इन 4 महीनों में सावन का महीना सबसे खास होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति भागवत कथा, भगवान शिव का पूजन और धार्मिक अनुष्ठान और दान पुण्य के कार्य करते हैं, तो उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं। नंबर 2, चतुर्मास के अंतर्गत सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक माह आते हैं और इन 4 महीनों में खान पान, व्रत के नियम और संयम का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि इन 4 महीनों में व्यक्ति की जो पाचन शक्ति होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि भोजन और जल में बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं, इसलिए इस समय पानी को उबाल कर पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। चतुर्मास का दोस्तों पहला जो मास है, वो सावन होता है और शास्त्रों के अनुसार इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरा महीना होता है भाद्रपद, इस माह में दही खाने से बचना चाहिए। और तीसरा महीना होता है अश्विन, इसमें दूध से परहेज करना चाहिए। और चतुर्मास का अंतिम महीना कार्तिक महीना होता है, इस माह में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर चतुर्मास में खान पान से जुड़े इन नियमों का पालन किया जाए, तो दोस्तों व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, चतुर्मास के दौरान सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए, किसी की चुगली निंदा ना करें। और चतुर्मास में व्यक्ति को शांत मन से भोजन करना चाहिए, भोजन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा चतुर्मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए व्रत उपवास रखने चाहिए। इन 4 महीनों में जप तप, स्नान दान और भगवान विष्णु का ध्यान और जप करना चाहिए।
चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। और इस महीने में यानी कि चतुर्मास में चार महीनों में किसी की निंदा न करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी की निंदा सुने भी नहीं। निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही पाप कार्य माने जाते हैं। इस दौरान मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार के गलत विचार ना आने दें, मन को शुद्ध रखें, मन को भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाएं। और चतुर्मास के दौरान भूमि पर बिस्तर कर यानी कि भूमि पर बिस्तर लगाकर शयन करने वाले जातक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की रोचक जानकारी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब सावन शुरू होने वाला है, सावन से जुड़ी आपको मैं एक से एक जानकारी यहाँ पर लेकर आती रहूँगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके द्वारा शेयर करने पर न जाने किसका भला हो जाए, इसलिए शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और चतुर्मास में मैंने चार महीनों में जो नियम बताए हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।